नमस्कार। आईटीडीसी इंडिया के लिए भोपाल मध्य प्रदेश से मैं एसडी वीरेंद्र। जैसा कि आप जानते हैं कि भोपाल मध्य प्रदेश राजधानी एक ऐसी लोकसभा संसदीय क्षेत्र है जहां पर पूरे देश की निगाहें होती हैं। यहां से हमेशा जो देखा जा रहा है पिछले 15 सालों का, वो नतीजे कहते हैं कि ये भाजपा के पक्ष में जाती रही। अब एक नए बदलाव का दौर है। आज हम इसी नए बदलाव के दौर की बात को आगे बढ़ाते हुए अपनों से अपनी सी बात वीडियो इंटरव्यू प्रोग्राम के लिए हम बैठे हैं। यहाँ के लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार श्री पीसी शर्मा जी के निवास पर, और मैं अभी एक आपको ले चलता हूँ एक ऐसी खोज परख राजनीति की साक्षात्कार वाली दुनिया में, जिसमें आप पाएंगे कि सच्चाई किस तरह से बात करती है। ये कुछ कहने का प्रयास करेंगे यहाँ के लोकसभा उम्मीदवार। थैंक यू। अपनों से अपनी सी बात कॉलम की आपके साथ चर्चा कर लो। जैसा कि भोपाल आवाम परिचित है कि लोकसभा संसदीय क्षेत्र भोपाल मध्य प्रदेश हमेशा से राष्ट्रीय पैमाने पर राष्ट्रीय निगाह में हमेशा आता रहा है। तो ऐसे समय में जब बदलाव की एक छवि चल रही, बदलाव का एक दौर चल रहा है पूरे देश पर, और अब इस समय एक सक्रिय जमीनी कार्यकर्ता राजनीति में आ रहे हैं, ऐसे समय में जब हम आज आए हैं अपनों से अपनी सी बात के लिए एक वीडियो इंटरव्यू में, तो हमारे साथ हैं माननीय पीसी शर्मा जी, कांग्रेस के लोकसभा भोपाल के लिए उम्मीदवार। आइए एक बातचीत शुरू करते हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत शर्मा जी। अभी जैसा हम देख पा रहे हैं आज के समय में, जब आपने देखा कि अभी पूरा जो समय चल रहा है भोपाल में, लंबे समय में एक ऐसे व्यक्ति की हमेशा तलाश हुई भोपाल को जो भोपाल के लिए कार्य करे, ये ज़मीनी आवाज है जो हम देख पा रहे हैं। आजकल एक समय ऐसा आया है कि पिछले 15 साल में भोपाल के लिए इतिहास कुछ ऐसा कहता है कि उन लोगों ने जिन्होंने भी यहाँ वोट डाला, उन्होंने पाया कि उनके वोट का इस्तेमाल उस लेवल पर नहीं हुआ जो वो उम्मीद करते थे लोकसभा के लिए। तो अभी हम सीधी बात वहाँ से शुरू करते हैं कि आप अब लोकसभा के कांग्रेस के लिए उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, आप नामांकित कर चुके हैं, अब आप चुनाव मैदान में हैं। तो भोपाल आवाम आपसे अगले 5 वर्षों की कौन सी आप योजनाएं मन में रखते हैं जिन्हें आप साकार देखना चाहते हैं? सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि 30 साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद भोपाल में, चाहे कला जैसी है, और एक भी उल्लेखनीय काम इन दिनों नहीं हुआ, कभी जनता के बीच में भोपाल के रहे नहीं। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं अलग अलग पदों पर कॉलेज में पढ़ा बासठ जिला विधायक जिला और भोपाल विकास में रहते हैं। वही सब समय में जनता के बीच में रहते, जनता की मंशा जो है वहाँ से विकास करते हैं। 10 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से है, तब हम सड़कों पर, चाहे वो व्यापम का मामला हो, चाहे महिलाओं पे अत्याचार का मामला हो, चाहे किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा हो सोयाबीन का और ओले का, चाहे पेंशनधारियों का मामला हो, क्योंकि वालों का मामला हो, उनको मकान नहीं मिल पा रहे हैं, खराब मकान बने हैं, उसके अलावा कर्मचारियों का मामला हो, गैस पीड़ितों का, ये सब मामले जमीन पे धरने प्रदर्शन के माध्यम से उठाए हैं और जेल भी गए और गिरफ्तारियाँ भी दी। ये सब मुद्दे जो उठाए हैं, इसकी वजह से एक मैं समझता हूँ कि जनता चाहती है कि जिन बातों की लड़ाई सड़कों पर करनी लगी है, वो जनता चुन के भेजती है संसद में, तो ये मान के चलिए उसको संसद बल्लभवान और हर जगह ये मामले मुद्दे उठाकर उनकी बात रखकर उनकी बात मनवाई जाएगी। जैसा आप बताते हैं और हम लोग खुद भी देखते हैं, ये मीडिया की खुद की निगाह जो देखती है, वही बात ये कि आपने हमेशा से लगातार पिछले 10 सालों में तो एक इतिहास रचा है बिना किसी पद पर रहते हुए, एक सेवा भावी, एक सेवक की तरह काम करते हुए प्रजा के बीच में आप रहे हैं। तो आपने जो धरने किए, प्रदर्शन किए, तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आपको लगता है कि आपकी बात को भाजपा सरकार ने उस समय सुना जब आपने धरने दिए? नहीं, हम लोग इन बातों को भाजपा सरकार के सामने तो रखा ही, जब नहीं सुनी गई तो हम कोर्ट की भी शरण लिया,
और जो जिन लोगों को बहुत से मामलों में सजा दिलवाने की बात थी, व्यापक मामले में सीबीआई जांच सरकार नहीं करी तो हम हाईकोर्ट में गए, आज ही उसके हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई है। तो निश्चित तौर पर ये जब कोई चीज़ जो कि सरकार नहीं मानती है, हिटलरशाही करती है, समय लंबा लग सकता है लेकिन मानना पड़ेगा और एक दिन मानेंगे। और हमने देखा कि बहुत से मंत्री जैसे राघव जी उनके मामले उठाए और लोगों के उठाए, विजय शाह के उठाए, तो उनको इस्तीफा देना पड़ा, इनको बाहर जाना पड़ा। तो आखिर जनता की आवाज़ को सरकार को अंत तक सुनना ही पड़ता है। जैसे व्यापक घोटाला है, ये तो इस तरह से देखा जाए मीडिया से लेकर हर जगह बात की जाए तो इसे मध्य प्रदेश की राजनीति पर एक कलंक की तरह देखा जाए, क्योंकि इस तरह का इतना बड़ा विराटतम घोटाले कभी नहीं हुए। तो आपको क्या लगता है कि इस पर जब आप आवाज़ उठाएंगे तो बात आगे बढ़ेगी? उमा भारती जो उनकी पूर्व मुख्यमंत्री वो तो कह चुकी हैं कि ये चारा घोटाले के घोटाला है, इसे सी बी आई जाँच होगी। और सी बी आई जाँच होगी तो मान लीजिए कि तो कौन बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, वो आएंगे और जो लड़के बच्चे जिन्हें एडमिशन लिए हैं जिनको जेल भेजा गया और जो इसमें नहीं आ पाए 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं उनको राहत मिलेगी। इस राहत की लड़ाई है युवाओं के लिए और निश्चित तौर पर इतनी सी बी आई जाँच होगी। भोपाल में जब हम राजनीति की बात करते हैं तो अक्सर यहाँ पर जातिगत राजनीति, धर्मगत राजनीति, दलगत राजनीति तीनों हावी हो जाते हैं। तो आप चूँकि हमेशा से अभी जैसा हमें हम जब बात करते हैं आम जन से तो वो आपको गरीबों का मसीहा बताते हैं, तो आपको क्या लगता है आप इन जातिगत राजनीति और धर्मगत राजनीति से कितना परे हैं? कभी धर्मगत और जातिगत राजनीति में नहीं थी, हम तो उस सिद्धांत पे चले हैं जो महात्मा गांधी ने कहा था कि किसी कोई काम करने में अगर आपको समझ में नहीं आए कि काम करना है कि नहीं करना है, तो अगर उस काम से पंक्ति में खड़े हुए आखिरी आदमी को अगर कोई फ़ायदा हो सकता है तो काम कर दो, तो अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है तो काम कर दिया, किसी को नुकसान हो रहा है तो काम नहीं किया है। एक ही सिद्धांत है, उसमें कोई धर्म का आदमी हो, कोई जाति का हो, और जो भी आया उसका न कभी धर्म देखा, न जाति देखा, न कभी उसका चेहरा देखा, केवल ये देखा है उसका काम क्या है, उसको कैसे किया जाए। यानी इसको मैं इस तरह से मानूं कि मैं आदमी हूँ, आदमी की तरह आदमी से जाए। निश्चित तौर पर आम आदमी की बात की है, आम आदमी आम। अभी प्रश्न ये भी है, पिछले हम 1984 से लेकर और अभी 2014 लगभग ऑलमोस्ट 30 साल गुजर चुके हैं, तो लोकसभा में गैस पीड़ितों की आवाज़ कभी भी लगभग ऊंची नहीं हो सकी। आपको क्या लगता है आपके तौर पर गैस पीड़ितों को जो मुआवजा मिलना चाहिए था तो उनको दवा और इलाज मिलना चाहिए था, निःशुल्क वो नहीं मिल पा रहा है। मैं अगर संसद में जाता हूँ तो इनकी बात चाहे वो संसद में उठाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट में उठाना पड़े या मध्य प्रदेश सरकार के सामने उठाना पड़े। हमारा प्रश्न ये कि जो लोकसभा में अक्सर जो भी सांसद रहे हैं उनने प्रश्नकाल के दौरान भोपाल के विकास से भोपाल संबंधी बातचीतों को कम से कम रखा, तो लोकसभा में जब हम गैस पीड़ितों की बात करते हैं तो वो हमेशा से पाया गया कि नगण्य जैसी हालत में रही, जबकि यही घटना किसी विदेश विकासशील देश में ना होकर विकसित देश में होती तो बात कुछ और होती। तो आप क्या लगता है आप किस प्लान के साथ हो गैस पीड़ितों के लिए? भोपाल में गैस रिसना भोपाल पे दाग है, दुखदायी और दुखदायी घटना थी, दुर्भाग्य घटना थी और आज भी उससे पीड़ित लोग बीमार हैं, इलाज बराबर हो नहीं रहा है, निश्चित दवाएं नहीं मिल रही हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल यहाँ बने। मेरी लड़ाई यही रहेगी कि उनको मुआवजा भी मिले, उनको नौकरियां मिले अलग अलग विभागों के लिए भी कोटा फिक्स हो और उनको निःशुल्क दवा मिले। ये बहुत पसंद आई कि गैस पीड़ितों के लिए भी एक कोटा आया अलग से, नौकरी में कोटा हो ये शासकीय अशासकीय और जो दूसरी इंडस्ट्रीज आती है उसको कोटा दिया जाती है जिससे वो अपने पैरों खड़े हो सके, वो युवा क्षमता हम बढ़ा सकें, जिन परिवारों ने उनके युवाओं को मिलना चाहिए। तो ये एक मैं समझता हूँ कि वो उन सब चीज़ों से उभर जाएंगे, गैस पीड़ित की जो हो रही है उसमें जो दुर्दशा हुई है उनके परिवार से उभर सकते। ये बहुत अच्छी बात हमने अभी इनसे समझने की कोशिश की कि लोकसभा में जब गैस पीड़ितों की बात रखेंगे तो उसमें एक गैस पीड़ित परिवारों से जुड़े बच्चों के लिए एक आरक्षण की बात हो नौकरियों में, जो एक नई चीज़ है, दवाइयों के लिए एक नए प्रयास की सब अभिनव कोशिशें की जाएँ, नवाचार हो जो कि अस्पतालों में अभी उपलब्ध नहीं है। तो एक और प्रश्न है कि भोपाल के विकास के लिए केंद्र सरकार कभी भी सकारात्मक सहयोग नहीं करती रही पिछले 10 सालों में,
चाहे लेक पर ब्रिज की बात हो, साइड ब्रिज देना जिससे कबला पार्क रोड चौड़ा हो सके, चाहे पुराने भोपाल की बस्तियों के पुरानी बस्तियों के उन्मूलन की बात हो, इन पर आपने क्या अपने प्लान रखे हैं जब आप लोकसभा पहुँचेंगे? नहीं, इसमें सबसे बड़ा है कि कम से कम भोपाल में 10-15 फ्लाईओवर होना था आज की तारीख में मध्य प्रदेश की राजधानी जी। एयरपोर्ट बना दिया इंटरनेशनल दिल्ली की सरकार ने कांग्रेस के दौरान, लेकिन ये जो फ्लाईओवर बनना था एयरपोर्ट जाने के लिए जो रेलवे लाइन पर थी वो आज तक की सरकार नहीं कर पाई। इसमें सरकार का जो ढीलापन और डिले इन टैक्टी सही है वो वजह है, इसकी वजह है जो BRTS योजना है उसको इस तरह से बनाया है कि पूरा भोपाल जाम हो गया है और उस पैसे का पूरी तरह से मिसयूज़ वहाँ पर किया गया है। और केंद्र से जो पैसा नर्मदा जल के लिए मिला उसमें कुछ क्षेत्रों में ही ये पानी जा पाया, पूरे क्षेत्रों को नहीं मिल पाया। तो केंद्र की जो योजनाएं हैं, जवाहरलाल नेहरू योजना और राजीव गांधी आवास योजना, जो गरीबों को मकान नहीं मिला उसमें भी ये काम नहीं कर पाए, मकान उनको नहीं दे पाए, मकान बने तो भी घटिया बने जिसकी छतें गिर रही। ये सब लड़ाई, इन सब की लड़ाई कि केंद्र का जो पैसा है भोपाल में सही तरीके से उठाई हो और ये शहर जो है एक जो पहले से ही बहुत सुंदर शहर है इसमें सही सुविधा मिले। मेट्रो ट्रेन से हम चाहेंगे कि भोपाल से सीहोर, भोपाल से बेरसिया जुड़े और उससे जो आवागमन होगा तो ट्रैफिक जाम जो है खत्म होगा और उन क्षेत्रों का जो इस संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं सीहोर में उनका भी विकास होगा। यानी हम बातें हैं कि लोकसभा संसदीय क्षेत्र भोपाल के लिए एक सुयोग्य उम्मीदवार माननीय PC शर्मा जी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनसे बातचीत में एक चीज़ पकड़ आती है कि उनके पास एक लंबी फहरिस्त है जिन पर वो काम करना चाहते हैं, जो पिछले 10 सालों में कम से कम हम जो देखते हैं कि वो चीज़ें कभी भी लोकसभा में नहीं उठाई गई, उनकी बात हमारे शर्मा जी करते हैं। तो एक प्रश्न है शर्मा जी कि आप देख रहे हैं अब मामला जो है इसको आप माने भाजपा कांग्रेस के बीच में है, भाजपा कांग्रेस और आपके बीच में है, तो आपको क्या लगता है इनको कहाँ ठहरा पाते हैं आप अपने सामने? नहीं देखिए, हमारी पूरी तैयारी है, हमारा पूरे वर्कर्स में उत्साह है और मैंने भोपाल की जनता के बीच में काम किया है इसलिए जनता पूरी तरह से मेरे साथ है, उनके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहा हूँ। इसलिए कांग्रेस का कार्यकर्ता और भोपाल की जनता ये सब मिलकर निश्चित तौर पर जो काम करेंगे वो हम लोगों को उसमें निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, जो उनका उत्साह देखते हुए बनता है सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पर कुछ जो आपके कांग्रेस जन हैं वो कहते हैं कि ये भाजपा ने कांग्रेस को वॉकओवर दिया है, आपको क्या लगता है? नहीं, तो कोई भी चुनाव कभी वॉकओवर नहीं होता है, ये चुनाव चुनाव होते हैं और 17 अप्रैल को शाम के 6 बजे तक हम लोग पूरी मुस्तैदी से चुनाव लड़ेंगे और भोपाल की जनता ने चाहा, हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चाहा और ऊपर वाले ने चाहा तो निश्चित हमको सफलता मिलेगी। यानी हम एक अंतिम क्वेश्चन के रूप में आपसे बात करें, जो भोपाल आवाम है अगर आपको अंकों की दृष्टि में देखें आप, तो उनके लिए सहयोगिता की आप 10 में से कितने अंक अपने आप को देना चाहेंगे भोपाल के उम्मीदवार को? ये अंक मेरे देने का सवाल ही नहीं, ये सवाल आप भोपाल की जनता से पूछिए। कितना सहयोग मानते हैं आप उनकी सेवा के लिए? नहीं, ये जो है सवाल भोपाल की जनता से है वो आप पूछें, आपको जवाब दिया। बिल्कुल, हमें खुशी है और हम उम्मीद करते हैं कि आप विजय प्राप्त करेंगे भोपाल संसदीय क्षेत्र के लिए। थैंक यू। मैं ऑनलाइन की प्रेस से बात कर रहा हूँ आप सबके बीच में, हम यहाँ एक इंटरव्यू के लिए आए थे आप लोगों से अपनी सी बात कॉलम के लिए, तो मैं ये जानना चाहता हूँ चूँकि आप भी इस निवास पर मिले हैं आज शर्मा जी के, तो आपका शुभ नाम? प्रकाश साहू जी। साहू जी, आपका स्वागत है ITDC में। आप ये शर्मा जी के साथ जहाँ खड़े हैं तो आप बैक टू बैक कर रहे हैं उनको साथ में? जी नहीं, बैक टू बैक तो नहीं कर रहा हूँ, बाकी मैं क्षेत्र में निवास करता हूँ और शर्मा जी को भली भांति जानता हूँ। जी मैम, आप इस तरफ आ जाइए। और एक कर्मठ और जुझारू नेता है जी, हमेशा से चाहे उनका मैं उस समय से जुड़ा हूँ जब वो पार्षद हुआ करते थे जी, और जब वो विधायक रहे और VDA चेयरमैन रहे, एक ऐसे काम किए हैं जो एक यादगार कार्यक्रम रहे हैं। आप शर्मा जी को कितना सुयोग्य उम्मीदवार मानते हैं, 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से हम तो ये चाहेंगे कि वो जीते हुए मेंबर थे, यानी भोपाल आवाम उन्हें जिताए, आप ऐसा सोचते हैं, तो कितने नंबर पाते हैं उनको सुयोग्यता के लिए, एलिजिबिलिटी भोपाल के लिए कैसी है उनकी? 90% 90% है, बहुत बढ़िया। थैंक यू ब्रदर। आप कहाँ से साहब?
मैं सोसाइटी ऑफ एनजीओ एविनेंस का प्रेसिडेंट हूँ। ओके, हमारे साथ ही सारे लोग सब सोसाइटी ऑफ एनजीओ के अरे हाँ। और एक सोसाइटी ऑफ एनजीओ का हम लोग पर आज मेमोरेंडम दिए हैं पीसी शर्मा जी को जी। कि आने वाले समय में जी। केंद्र में आवाज उठाए पॉलिसी नीति के बारे में और एनजीओ नीति के बारे में। अब तक मध्य प्रदेश में जो भी एनजीओ बनी हुई है वो भारतीय जनता पार्टी की जन अभियान बनी हुई है, और उसमें जन अभियान में उन्हीं लोगों को फायदा मिलता है जो बीजेपी के साथ में सक्रिय है। अभी जैसे कांग्रेस उम्मीदवार हैं तो आप पिछले लंबे समय से उन्हें शर्मा जी को जानते हैं या अभी आए पहली बार? नहीं, बहुत लंबे समय से मैं जानता हूं पीसी शर्मा जी, और निस्वार्थ नेता है हाँ। और भोपाल की जनता को हाँ। उनके मन में बसा हुआ है। आपको लगता है कि आपके कार्य उनके पास आने से सफल होंगे यदि वो जीतते हैं? नहीं, मेरी कार्य नहीं, सबका कार्य सफल होगा जी। मेरा तो कार्य है ही, हमने एनजीओ सेक्टर से लोग हैं, सफल तो होना ही है जी। और सभी व्यक्ति के लिए काम करते हैं। एक ऐसा नेता है जी। कि मोटरसाइकिल पर बैठा के ले जाइए, साइकिल पर बैठा के ले जाइए। सुनने में आ रहा था अडवाणी जी आने वाले थे, अडवाणी जी को मोटरसाइकिल पर हम नहीं बैठा सकते हैं, साइकिल पर नहीं बैठा सकते हैं, लेकिन एक ऐसा आदमी को है कि साइकिल भी बैठा लीजिए, मोटरसाइकिल भी बैठा लीजिए और बहुत बढ़िया हाथ पकड़ के ले जाइए। थैंक यू, अच्छा लगा। आप मैम एनजीओ से हैं जी, आपका शुभ नाम? पूनम राठौर। पूनम जी, आप ही बताएं, शर्मा जी को आप पहले से जानते हैं? आप कैसा उम्मीदवार मानते हैं उन्हें? बेस्ट, गुड, बेटर? बेटर उम्मीदवार कहते हैं, यानी आप वोट देंगे उन्हें? थैंक यू जी। आपका शुभ नाम? सतीश रोहित जी। सतीश भाई, बताइए शर्मा जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, शर्मा जी एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता है, और हमारा जो ये डेलीगेट से आया हुआ है जी, सोसाइटी ऑफ एनजीओ जी, वो एनजीओ नीति की मांग को लेकर के इनको आज हमने 11 सूत्री ज्ञापन दिया जी, और इन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको अपने घोषणा पत्र है उसको शामिल करना है। ये बहुत अच्छा लगा। बाकी मैं जो देख पा रहा हूँ, आइए आप लोग इसकी जरा नज़र डालें, इस तरफ लुक करें, हमारे दाता है हाँ। ये एक बड़ा उत्साह से भरी हुई आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पर लोगों को, ये इस समय कांग्रेस के लिए जो भी इस समय कार्य चल रहा है वो ये बताता है कि बदलाव की राजनीति जिसे कहते हैं उसकी तैयारी है। तो उसमें जो यहाँ के भोपाल के नागरिकगण हैं उनसे बस एक चर्चा में हम लोगों ने लिया, और आउटपुट ये आ रहा है, यहाँ की जनता बदलाव की तैयारी कर रही है और उसके लिए काम करना चाहती है, और ऐसे उम्मीदवारों को वो सफल देखना चाहती है। एक यहाँ आइए ब्रदर, आप आ जाइए, जरा ये हाँ, आप कहाँ से हैं? आप, मैं 12 नंबर स्टाफ से आ रहा हूँ जी। आप शर्मा जी को कैसा उम्मीदवार मानते हैं? मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, गरीबों को मसीहा जाइए। आप लोगों ने कभी कोई मदद की है? बहुत मदद की, अभी हमारी यूपी टूट रही थी जी, शर्मा जी ने ही रुकवाई जी। आप उन्हें वोट देंगे इस बार? वोट देंगे, जान दे देंगे उनके पीछे। बहुत बढ़िया, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, थैंक यू। मैं SD वीरेंद्र, ITDC इंडिया के लिए भोपाल लोकसभा क्षेत्र से।